हाँ जी, स्वागत है जी थोड़ा सारिया का साढ़े यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट से। सो सैकेंड भाग लेके आए हैं पंजाब पुलिस हैड कॉन्सटेबल प्रीख्या को लेकर। जो भी पुराने पेपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस हफ्ते जो कवर करवावे। सो 18 तरीक तक जोड़ा एग्जाम ये चलेगा। सो चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकोन आलते प्रेस जरूर कर लियो। बाकी पहला वाला भाग चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके रीड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं जी अगले क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 तो स्टार्ट करांगे। तमिल भाषा दे विच पल्लव शब्द का अर्थ की हुंदा है? किसान, शक्तिशाली डाकू या फिर रब का दूत। तो तमिल भाषा दे विच लैंग्वेज दे विच जो पल्लव शब्द है तो इहदा अर्थ हुंदा है डाकू। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, संसदां दी मां किसनूं कहा गया है? ब्रिटिश संसद नूं, अमरीकी संसद नूं, भारतीय संसद नूं या फिर स्विस संसद नूं। ता भारती सॉरी ता संसदां दी मां जिहड़ा वो ब्रिटिश संसद नूं कहा गया। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन हुंदा है? भारतीय कानून विभाग, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज या फिर कानून मंत्री। तो भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी हुंदा जिहड़ा वो कानून मंत्री हुंदा है। ऑप्शन ससा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कदों हुई या किथे हुई सी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या अमरीका दे विच। तो यह हुई सी जी ऑप्शन आड़ा फ्रांस दे विच। ब्यूरोक्रेसी शब्द है जिहड़ी उत्पत्ति फ्रांस दे विच हुई सी। अगला प्रश्न है, अरसतू मुताबक केड़ी सरकार सब तो सर्वश्रेष्ठ है? लोकतंत्र, तानाशाही, शासनतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो अरसतू के मुताबक जिहड़ी सरकार सब तो सर्वश्रेष्ठ है वह है शासनतंत्र। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। संसार दे विच सब तो शक्तिशाली विधान पालिका किसनू मन्या गया है? भारतीय संसद नू, अमरीकी संसद नू, फ्रांसीसी संसद नू या फिर ब्रिटिश संसद नू। तो यह मन्या गया जी ब्रिटिश संसद नू। संसार दे विच सब तो शक्तिशाली विधान पालिका जिहड़ा वह मन्या गया। इस तों इलावा संसदां दी मां भी ब्रिटिश संसद नू ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा का जिक्र किहड़े देश दे संविधान दे विच कीता गया? भारत, चीन, अमरीका या फिर फ्रांस। तो यह कीता गया जी भारत दे अपने इंडिया दे संविधान दे विच अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा इहदा जिक्र है जिहड़ा भारत देश दे संविधान दे विच कीता गया। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार मुख्य रूप से किहड़े उद्देश की मदद करता है? कानूनी अधिकार, समाजिक समानता, पारदर्शी प्रशासन या फिर राजनीतिक सुधार। तो इहदा राइट आंसर आएगा जी ऑप्शन ई डी पारदर्शी प्रशासन। जो सूचना का अधिकार है अते मुख्य रूप दे विच जिहदा उद्देश है वह पारदर्शी प्रशासन है दी मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत के महालेखाकार दी रिपोर्टां दी जांच है तो कौन करता है? वित्त मंत्री, सार्वजनिक लेखा समिति, वित्त मंत्रालय या फिर मंत्रीमंडल सचिव। तो यह करता है जी ऑप्शन आड़ा सार्वजनिक लेखा समिति। जो भारत के महालेखाकार दी जो रिपोर्टां ने इन्हां दी जांच करती है। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 नूं सुरक्षा कपाट किसने कहा सी? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर डी आर अंबेडकर ने। तो यह कहा सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने। ऑप्शन ससा जो अनुच्छेद 356 है तो इन्हू सुरक्षा कपाट कहा सी। अगला प्रश्न है, लैनिनवाद का जन्मदाता किसनू मन्या जाता है? कार्ल मार्क्स नू, स्टालिन नू,
माओ नू जा फिर ट्रैटसकी नू, तो यह मनिया जाता जी स्टालिन नू। ऑप्शन उड़ा लेनिनवाद का जन्मदाता कहा जाता है स्टालिन नू। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है पहला राजनीतिक विज्ञानी किसनू कहा गया है, अरस्तू रूसो प्लूटो या फिर कार्ल मार्कस नू। तो पहला राजनीतिक विज्ञानी है जिहड़ा वो अरस्तू नू कहा गया है। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबा गुरदित सिंह का संबंध किस नाल है, स्वदेशी अते बाइकाट अंदोलन नाल, गदर अंदोलन नाल, जलियांवाले बाग कांड नाल, या फिर कामागाटा मारू घटना नाल। तो इन्हों का संबंध है जी तो सारे नू पता होएगा ऑप्शन सस्सा कामागाटो मारू जो घटना हुई सी इन्ह नाल संबंध है बाबा गुरदित सिंह का। तो इन्होंने जहाज़ लिया सी कामागाटा मारू का सीगा जो किराए ते लिया सीगा। अगला प्रश्न है अचनचेत निधि की स्थापना करने का अधिकार किस कोल हुंदा है, राष्ट्रपति कोल, संसद कोल, प्रधानमंत्री कोल, या फिर कैबिनेट मंत्री कोल। तो अचनचेत निधि की स्थापना करने का अधिकार है जिहड़ा वह संसद कोल हुंदा है। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है मुगल शासक बाबर अफगानिस्तान के किहड़े कस्बे का रहने वाला सी, तोरा बोरा, पिशावर, काबुल या फिर कंधार का। तो मुगल शासक बाबर से जिहड़ा ये काबुल का रहने वाला सीगा जो अफगानिस्तान का एक कस्बा सी। अगला प्रश्न है कपाही बदल आम तौर पर किस मौसम के ज़्यादा आते हैं, बसंत, बरसाती, सर्दी या फिर गर्मी। तो ये आते हैं जी गर्मी के कपाही बदल यानी कि हुट्टा वर्गे बदल हुंदे दिन से तुसी देख सकते हो। हुण मीह वाला मौसम है गर्मी का मौसम चल रहा है बेशक गर्मी तो थोड़ी राहत मिली है पर हुण कपाही बदल तुसी देख सकते हो जिस तरह नरमे के फुट हुंदे ने जिहनूं आपां रूं कह दिंदे आ जो नरमा खिड़ जांदा है तो उस वर्गे बदल गर्मी के देखण नूं मिलदे ने। अगला प्रश्न है भारत में कश्मीर की घाटी किस तरह के मैदान पाए जाते हैं, जो भारत में कश्मीर की घाटी है ये मैदान किस तरह के ने, पैनी प्लेन, तटवर्ती, लोइस मैदान या फिर सरोवरी मैदान। तो ये मैदान पाए जाते हैं जी सरोवरी मैदान। ऑप्शन सस्सा जिन्हों पलम्मे मैदान भी कह सकते हैं सरोवर की तरह जिवें पानी नहीं हुंदा। अगला प्रश्न है 1629 ईस्वी मुगल काल का नक्शा किहड़े विदेशी यात्री ने तैयार किया, होंडिव, विलियम बाफिन, थामसरो या फिर गल्फ फिज ने। तो 1629 के मुगल साम्राज्य का नक्शा सी जिहड़ा होनीड्यू ने तैयार किया। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है नेनेहा अते तिकना नामक विद्वाना ने महाभारत की किहड़ी भाषा के विच अनुवाद किया, तमिल, मराठी, ते कन्नड़, तेलगू या फिर फारसी के विच। तो ये अनुवाद किया जी ऑप्शन ईडी तेलगू के विच। जो नेनहा अते तिकना ये दो नाम विद्वाना दे ने अते महाभारत की भाषा तेलगू के विच इन्होंने अनुवाद किया सी महाभारत का। अगला प्रश्न है बाइबल विच भारत का की नाम है, आर्यावर्त, इंडीज, हिंदुस्तान या फिर होडू। तो बाइबल विच जिहड़ा भारत का नाम है वह होडू है। ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना कदों की गई सी, 1833, 1853, 1773 या फिर 1856 के विच। तो इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना जिहड़ी वो 1833 के विच कीती गई सी। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है भारत में दूजे ब्याह ते पाबंदी लगाउण दा सेहरा किस नूं जांदा है, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, केशव चंद्र या फिर ईश्वर चंद्र
विद्यासागर तो यह सिहरा जाता जी केशव चंद्र नू। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड दे विच हैलीबरी कॉलेज की स्थापना किसने की थी सी? विलियम वेंटिंग, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड कार्निवालस ने। तो इंग्लैंड दे विच हैलीबरी जिहड़ा कॉलेज बनिया तो यदि स्थापना सी जी विलियम वेंटिंग ने की सी। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है रेलवे इंजन अते डब्बे बनाउण दा केंद्र नहीं है किथे नहीं है? भोपाल, भिलाई, वाराणसी या फिर कुचीन। तो नहीं है पूछा गया तो यह आएगा जी कुचीन। रेलवे के इंजन अते डब्बे बनाउण दा केंद्र जिहड़ा वह कुचीन दे विच नहीं है। अगला प्रश्न है चीन विच हवा दे नखेपण नाल बने मैदान कहलाउंदे ने की कहा जाता है? जो हवा दे नखेपण दे नाल मैदान बनते ने तटवर्ती मैदान, लोइस मैदान, पैनी मैदान या फिर सरोवरी मैदान। तो यह बनते ने जी लोइस मैदान। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है तिब्बत का पठार किस तरह का पठार है? प्रायद्वीपी पठार, अंतर पर्वती पठार, महाद्वीपी पठार या फिर पर्वती पठार। तो जो तिब्बत का पठार है जिन्हों संसार की छत भी कहा जाता है तो यह पठार है जिहड़ा अंतर पर्वती पठार है। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अक्सर पूछा जाता है कि संसार की छत किसनों कहा जाता है तो यह कहा जाता है तिब्बत की पठार नूं। अते किस तरह का पठार है? अंतर पर्वती पठार। सो ये दो क्वेश्चन दे विच बनते ने। अगला प्रश्न है बलबन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किस दे विरुद्ध है जिहड़ी अपनाई सी? मुगलां दे, तुरकां दे, मंगोलां दे या फिर अफगानां दे। तो यह अपनाई सी जी ऑप्शन ई डी मंगोलां दे विरुद्ध। अगला प्रश्न है प्रेजिडेंसियां दियां सरकारां नूं कानून बनाउण दे अधिकार तो वांझा करन वाला एक्ट किहड़ा सी? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1773 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह एक्ट सीगा जी चार्टर एक्ट 1833 जिहड़ा प्रेजिडेंसी दियां सरकारां नूं कानून बनाउण दे अधिकार तो वांझा करन वाला यानी कि वक्खरा करन वाला एक्ट सीगा। अगला प्रश्न है प्रीमर वर्ना प्रीचिया एक किस दी रचना है? रचना का नाम है यह प्रीमर वर्ना प्रीचिया। यह रचना किस दी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर दी, स्वामी विवेकानंद दी, केशव चंद्र सेन दी या फिर स्वामी दयानंद दी। तो यह रचना है जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर दी। ऑप्शन ऊड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत का निर्माण केड़ी क्रिया कारण प्रसिद्ध होया? खिचा कारण, ज्वालामुखी कारण, छिंजन कारण या फिर वलन कारण। तो यह होया जी वलन दे कारण। वलना यानी कि जलना। ऑप्शन सस्सा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है सूचना अधिकार कानून सब तो पहला किहड़े राज ने पास किया सी? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो सूचना अधिकार कानून से जिहड़ा सब तो पहला स्टेट सी जिहड़ी वो राजस्थान सी। ऑप्शन ई डी साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है उम्मीदवारों को चोन निशान कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, चोन आयोग, प्रधानमंत्री या फिर संबंधित राजनीतिक दल। तो उम्मीदवारों नूं जिहड़े पार्टी के चोन निशान हुंदे ने तां चोन आयोग जारी करदा है। ऑप्शन आड़ा साडा राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी की कौन जित ते खलीफा ने उसनूं सन्मानित किया सी? कलिंजर, थानेसर, कोई नहीं या फिर सोमनाथ मंदिर। तो यह किया जी सोमनाथ मंदिर की जित ते महमूद गजनवी नूं
खलीफा ने सन्मानित किया। सो सोमनाथ की जित जी ये तो बहुत सारा धन दौलत प्राप्त हुई सी, कई टन का जो सोने का टल से एक मंदिर के प्राप्त होया। सो दोस्तों अगले भाग के अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो पुराने पेपर के पूछे गए, सो जरूर ये क्वेश्चन ध्यान न रीड करो, अगे वीडियो जरूर शेयर कर दौ ता जो किसी का फायदा हो सके। बाकी तुहानू जो भी दिन बाकी रहिंदे ने इन्हां दे विच इह पुराने क्वेश्चन प्रोवाइड है जिहड़े उह कर दित्ते जाणगे। धन्यवाद जी।